दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया, अनाउंस हो गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का जो पैसा 18 जून 2024 को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला से ट्रांसफर किया जाएगा सभी के बैंक खाते में, और सीधा ये पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो दोस्तों आपको अभी तुरंत जो है कि अपना डीबीटी स्टेटस को चेक कर लेना है कि आपका डीबीटी स्टेटस एक्टिव है कि नहीं। अगर आपका डीबीटी स्टेटस एक्टिव नहीं होगा तो आपके खाते में पैसा रुक जाएगा। डीबीटी एक्टिव मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मैं बताऊँगा कैसे आपको चेक कर लेना है डीबीटी स्टेटस, मैं अभी बताऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का पैसा 18 जून 2024 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से 9.3 करोड़ किसानों के लगभग 20,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। यहाँ पर जैसे अग्रिम किस्त का लाभ पाना है तो ई केवाईसी जरूर करवाना है, आपको ई केवाईसी करा लेना है और साथ ही साथ अपने डीबीटी स्टेटस को एक्टिव कर लेना है। तो आप अपना केवाईसी वगैरह करा लीजिए, अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको एक साथ पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे किसानों को बड़ी सौगात मोदी 3 का शुभारंभ, यहाँ 9.3 करोड़ का लाभान्वित किसान होंगे, 20 करोड़ हस्ताक्षर होंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको डीबीटी स्टेटस चेक करना है, तो आप यहाँ पे डीबीटी स्टेटस चेक कर ले सकते हैं। आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है और यहाँ पर डीबीटी लिख देना है इस तरीके से, डीबीटी इस तरीके से लिखकर आप सर्च करेंगे तो इस तरीके होम पेज आ जाएगा। तो होम पेज आने के बाद आपको डीबीटी स्टेटस चेक करना है, तो आपको करना क्या है, तो दोस्तों इस तरीके से वो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नीचे आप ऑप्शन आएंगे यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना आधार नंबर को डाल के कैप्चर कोड को बदलना है, उसके बाद आपके ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाइड करेंगे। ओटीपी को वेरीफाइड करते ही आपका वहाँ पे स्टेटस दिया जाएगा कि आपका आधार मैपिंग जो है स्टेटस एक्टिव है। अगर आपका स्टेटस एक्टिव नहीं होता है तो आपको पैसे नहीं मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पर डाल के चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आधार नंबर डाल दिया है, कैप्चर कोड डाल दिया, ओटीपी डाल दिया है, ओटीपी आया था। अब लॉगिन वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों वेरीफाइड होने के बाद नीचे आएंगे तो बैंक सीडिंग स्टेटस मिलेगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर मैपिंग स्टेटस डन दिखाएगा। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कंग्रेचुलेशन योर आधार मैप मैपिंग हैज बीन डन यहाँ और एक्टिव। अगर दोस्तों यहाँ पे इनएक्टिव होगा तो आपको तुरंत एक्टिव करा लेना, वरना आपके पैसे आपके बैंक खाते में नहीं आ पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के या फिर किसी भी योजना के। तो यहाँ पर आपको एक्टिव कराना, अपना केवाईसी वगैरह सब कुछ करा लेना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।